कोविड 19 के प्रकोप के बीच 2012 बैच के आईपीएस किशोर कौशल का हजारीबाग तबादला हो गया है, जिसके बाद धनबाद के चौथे एसएसपी के रूप में अखिलेश बी वॉरियर ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पहली जंग कोरोना के खिलाफ होगी। अभी हम लोगों के लिए नंबर वन प्रायोरिटी कोविड से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है उसको करवाना, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिले निर्देशों के आलोक में, झारखंड सरकार पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के आलोक में उसका अनुपालन करना और उसका अनुपालन करवाना, यही हम लोगों की ओवरवेलमिंग और नंबर वन प्रायोरिटी आज के दिन में है एज अ पुलिस डिपार्टमेंट एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभी लोगों से अपील होगा कि लॉकडाउन के जो भी निर्देश है उसका अनुपालन करें और हम लोग उसके अनुपालन करवाने के साथ साथ यहाँ की जो जनता है उसमें लॉकडाउन के टाइम पे जो भी सहूलियत हम लोगों से हो सके, उदाहरण के तौर पर अभी मेडिसिन प्रोवाइड करने का भी एक टास्क शुरू हुआ है, हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। कंट्रोल रूम के नंबर्स भी सर्कुलेटेड हैं पूर्व से भी, तो अनुरोध होगा कि उसका पूरा लाभ उठाए और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर करो। वही एसएसपी किशोर कौशल का विदाई समारोह हुआ जिसमें कोरोना और यमराज दोनों पहुंचे। कोरोना और यमराज ने एसएसपी की पहली आरती उतारी, फिर माला पहनाई, फिर कंधे पर बिठाकर विदा किया। एसएसपी किशोर कौशल की विदाई कोरोना कार में हुई, जिसके आगे पीछे कोरोना और यमराज चल रहे थे। कोरोना कार से एसएसपी को सुरक्षित उनके धनबाद स्थित सरकारी आवास तक छोड़ा गया। इस दौरान ये काफिला जहां से भी गुजरा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये कोरोना योद्धा की तरह पूरे झारखंड के एक ऐसे सैनिक के रूप में काम किए हैं और धनबाद के लोगों को गौरवान्वित है कि ऐसे ऑफिसर्स आते हैं और खुद कारभार लेकर के जमीन पे उतरते हैं, रोड पे उतरते हैं, सफाई करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, मास्क बांटते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो वैसे योद्धा कोरोना योद्धा को हमारा समाधान टीम एक सैल्यूट कर रहा है और कोरोना योद्धा की तरह उनको हम लोग विदाई समारोह दे रहे हैं ताकि हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर सकें। आपको बता दें कि धनबाद के कुछ सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर धनबाद के तत्कालीन एसएसपी किशोर कौशल ने लोगों के बीच कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे। धनबाद उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में याद रखेगा। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।